जनपद गोरखपुर की विभिन्न परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, राज्यसभा के मान्य सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री बिपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, विश्वजितांशु सिंह आसो जी, सत्येंद्र सिन्हा जी, जनार्दन तिवारी जी, इंजीनियर पीके मल जी, देवेश श्रीवास्तव जी, अच्युतानंद शाही जी, इंद्रमणि उपाध्याय जी, शशिकांत सिंह जी, पुष्पतन जैन जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, रणजय सिंह जी, आनंद शाही जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा वाहिनी और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर महानगर पिपराइज, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर और चोरी चोरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 575 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ पूरा गोरखपुर लेगा, पूरा पूर्वांचल लेगा और गोरखपुर आने वाले और जाने वाले इन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों को उनके प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको इस नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए और जैसे कि मंच पर अभी हमारे माननीय सांसद और सभी विधायकों ने भी, महापौर जी ने भी विकास के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर एक बार फिर से दोहराया है। ये विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा, रोजगार का सृजन करेगा, ये विकास अनेक प्रकार की संभावनाओं को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के अंदर अन्य मामलों में पिछड़ गया था, ये विकास के कार्य ही उसे फिर से देश के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा करेगा और विकास की प्रक्रिया हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह और उन्हें एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस दिशा से लगभग 625 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं, कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है, इन सब की परियोजनाओं को आप सबको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने चोरी चोरा के जो शहीद स्मारक है उसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया है। याद करिए, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश के स्वाधीनता आंदोलन को इस घटना ने एक नई दिशा दी थी। चोरी चोरा की माननीय विधायक ने यहां पर अभी अपनी बात भी रखी और मैंने प्रशासन से भी इस बारे में कहा, अभी से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। मंच जो यहां पर हमारे दो दो सांसद हैं, 4 विधायक यहां मौजूद हैं और भी जिले के सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, इस सभी लोग मिलकर के
यहां के भी प्रदेश के भी शासन स्तर पर भी स्थानीय स्तर पर भी अभी से कार्य योजना तैयार होनी चाहिए कि आगामी एक वर्ष तक के कार्यक्रम किस रूप में हमें ले जाने हैं, जो चोरी चोरा को फिर से उसका महत्व, क्योंकि उस कालखंड में देश के लिए लड़ने वाले कौन लोग थे, उन लोगों के प्रति हम श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त कर सकते हैं। और इसीलिए चोरी चोरा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उस कार्यक्रम को वहां पर शहीद स्मारक के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आज समर्पित करते हुए भी मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये कार्यक्रम तो हम लोग वहां पे कर ही रहे हैं और भी वहां के लिए परियोजनाओं को हम आगे लेकर के जाएंगे। ये सभी कार्य इसलिए क्योंकि जिससे लोगों के जीवन में इस बात का एहसास हो सके कि देश की आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई। यह देश अगर जागरूक रहता तो गुलामी नहीं होता, लेकिन जब गुलाम हुआ तो आजादी प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी थी, और फिर से कोई ऐसी स्थिति ना पैदा होने पाए कि हमें विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता पड़े। इस देश से अभी से हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश का आह्वान इसी बात को लेकर के करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में इस देश को दी है, ये उसी भारत की है जिसके लिए इस देश के क्रांतिकारी अपने आप को समर्पित किए थे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, ये उसी भाव को लेकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। और आज चोरी चोरा शहीद स्मारक के कार्यक्रम का लोकार्पण का एक कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है, साथ ही साथ बाढ़ की परियोजनाओं का भी यहां पर एक साथ कुछ परियोजनाओं को लिया गया है। बाढ़ की स्थिति कितनी विभिन्न थी वो गोरखपुर यानी पूरे उत्तर प्रदेश में, जब मैं आया था तब 40 जिले ऐसे थे जो अति संवेदनशील थे, संवेदनशील थे, कुछ 75 जनपद में से 40 जनपद ऐसे थे और व्यापक रूप से जनधन की हानि होती थी, कई लोग मरते थे, फसलें डूबती थी, गांव के गांव बह जाते थे। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने बाढ़ की समस्या को इतना नियंत्रित किया, कहीं पे नदियों को चैनलाइज किया, कहीं पे जो कार्य होने थे ठोस कार्य हो, केवल बरसात के समय कार्य नहीं होंगे, कार्य जो भी होने जनवरी से प्रारंभ हो जाएं और 15 मई तक उन कार्यों को संपन्न करके आप दिखाइए, जिससे बाढ़ आने के पहले ही बाढ़ रोकने की पूरी कार्ययोजना हमारी लागू हो जाए। जल जमाव की समस्या का समाधान जो सिटी के लिए भी एक चुनौती थी, आज तरकुलानी में बड़ा रेगुलेटर बन रहा है जिससे अस्थायी समाधान न केवल थोड़ावार ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र की बल्कि महानगर की भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। पिपराइज को इससे राहत मिलेगी, चोरी चोरा को इससे राहत मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम उस दिशा और आवागमन के साधन की तो इस प्रकार की स्थिति गोरखपुर के अंदर आज कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, लखनऊ की कनेक्टिविटी, नेपाल की कनेक्टिविटी, इतनी चौड़ी सड़कें नगर के अंदर भी, ये कार्यक्रम इसलिए हो सकता है गोरखपुर के अंदर सड़क चौड़ी होने से कुछ व्यापारियों को तात्कालिक रूप से परेशानी हुई, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन साथ साथ उन्हें सुरक्षित रूप से पुनर्वास करने के साथ साथ इन सड़कों का चौड़ीकरण आवागमन जितना फास्ट होगा विकास उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और इन सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी हम शिलान्यास कर रहे हैं, एक जेल रोड बाईपास का 4 लेन के रूप में इसको बनाने जा रहे हैं, बरगदवा से लेकर के मोहद्दीपुर तक 4 लेन का यह बाईपास बनेगा, पूरी समस्या का समाधान, शहर की जाम की समस्या का समाधान समाप्त। आप देख रहे होंगे मोहद्दीपुर से धर्मशाला बाजार होते हुए गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया तक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, आगामी 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे 4 लेन में जब बदलेगा कहीं भी जाम नहीं लगेगा, कहीं भी जाम नहीं, हम भी से व्यवस्था कर रहे हैं। हम जब भविष्य में गोरखपुर में मेट्रो लेकर के आएंगे तो उस समय इस 4 लेन में बिना टच के भी मेट्रो भी बीच बीच में मेट्रो के पिलर दे देकर के हम लोग मेट्रो का काम भी चला देंगे, गोरखपुर की जनता को परेशानी भी नहीं होगी और मेट्रो भी गोरखपुर में आसानी से आ जाएगी।
जेडवर बाईपास एक नया वैकल्पिक मार्ग आपको दे रहा है सिटी के अंदर की समस्या को पूरी तरह समाधान करने और नौसर से पैडलेगंज भी सिक्स लेन के मार्ग के लिए टोल के चौड़ीकरण की तैयारी हो रही है, जिससे नौसर से लेकर के यहां तक भी कोई जाम की समस्या न होने का है। आपने देखा होगा महेवा से लेकर के तरकुलानी तक जो मार्ग है, मुझे याद है जब 2009 में मैं पहली बार सांसद बना था वो सिंगल लेन का था, फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा बढ़ा करके 7 मीटर चौड़ा किया और आज ये उससे भी चौड़ा मार्ग बन रहा, एकदम हाईवे जैसा मार्ग है। गोरखपुर सिटी को सुरक्षा बाढ़ से भी सुरक्षित करने के लिए और पूरे खोराबार विकासखंड और गोरखपुर ग्रामीण के आवागमन को बहुत फास्ट करने, विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे ही झुंगिया से लेकर के फर्टिलाइजर के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को भी इसके साथ लिया जा रहा है। यानी ये कार्यक्रम कहीं पे लोकार्पण, कहीं पे शिलान्यास, कहीं चिकित्सालय की व्यवस्था, कहीं पर अन्य केंद्रों की स्थापना का कार्य, ये अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किए जा रहे हैं। अभी सीताराम जी कह रहे थे कि मैं बुढ़िया माई के दर्शन करने के लिए गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये अच्छा बनाने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और यही तो इसी के लिए तो जनता हम लोगों को चुनके भेजती है। जनता तो इसीलिए चुनती है जनता को हम सुविधा दे सके, बना सके। हम रवि किशन जी को इसीलिए चुने हैं जिससे वे विकास की प्रक्रिया के साथ सिटी को जोड़ सके और आवश्यकता पड़ती है तो सीताराम जायसवाल जी को लेकर के फिल्मों का निर्माण भी कर सके। रामगढ़ ताल का उपयोग हमारे लिए पर्यटन के लिए हो सकता है, लेकिन जब रवि किशन जी जाएंगे तो उन्होंने फिल्मों में काम किया, वो देखेंगे फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक अच्छा स्थान ये है। और आज आ रहे हैं, उन्होंने कोरोना कालखंड में तमाम वेब सीरीज यहां से बनाई और उसके माध्यम से गोरखपुर की पहचान देने का कार्य किया। कला एक अभिव्यक्ति होती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर की, हर एक के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन उस अभिव्यक्ति को किस रूप में प्रस्तुत करना है जो लोगों के मनोरंजन का भी और लोगों के ज्ञान वर्धन का माध्यम भी बने। और केवल एक कला कला नहीं होती है, यह रोजगार का भी माध्यम होता है। कितने लोग रोजगार इससे प्राप्त करते हैं, कैमरामैन से लेकर के स्क्रिप्ट लिखने वाले तक, यानी इसमें साहित्यकार भी जुड़ता है, इसके साथ सामान्य कलाकार भी जुड़ता है, अन्य तमाम प्रकार की बड़ी टीम उसके साथ जुड़ती है और तब एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गोरखपुर उस रूप में आज अपने आप को तैयार कर रहा है। हर प्रकार के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो विकास की इस प्रक्रिया के साथ एक एक लोग को देखेंगे, देखने का दृष्टिकोण जिसका जैसे होगा वो उसको उस रूप में देखेगा, लेकिन जब दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा, तो हर एक जगह से कुछ न कुछ निकाल करके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य आज किया जा रहा है, जिसे आज हम गोरखपुर की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यहां पे मंदिरों के पुनरुद्धार के, पिछली बार हम लोग आए थे तो कोरोना कालखंड के पहले हम लोगों ने यहां पे मोहद्दीपुर गुरुद्वारा और जटाशंकर गुरुद्वारा के कुछ विकास कार्यों को जोड़ा था। हम लोगों ने यहां पे कुछ मंदिरों के कार्यक्रमों को, सूरज कुंड का मंदिर है, मानसरोवर का मंदिर है, या फिर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर है, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, इन सभी मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्य को, सुंदरीकरण के कार्य को लिया था। और आज तो चित्रगुप्त मंदिर को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है और गीता गार्डन को भी इसके साथ जोड़ा है। ये प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, हर एक जगह हम लोग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है और आस्था के साथ साथ यहां पर तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को एक नया मंच देने के लिए भी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। प्रश्न ये उठता भाइयों बहनों कि सरकारें पहले भी थी, सरकारें चली आ रही थी, खिसक रही थी, समय पास कर रही थी, तब न किसान संतुष्ट था, तब न नौजवान संतुष्ट था, तब अपराध चरम पर था,
तब समाज का कोई तबका संतुष्ट भी नहीं था, पैसा उतना ही खर्च होता था। और आज जब नगर विधायक जी कह रहे थे या ग्रामीण विधायक जी कह रहे थे कि कोरोना कालखंड के दौरान चूंकि दोनों हमारे विधायक कोरोना से पीड़ित हुए, संक्रमित हुए और उन्होंने चिकित्सीय सुविधा और व्यवस्था को देखा, अब आश्चर्य करेंगे, हम लोग अब तक 5,73,000 लोगों को स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं और सभी को फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसा नहीं कि कोई एक विधायक, एक सांसद या कोई पदाधिकारी अगर है तो वह उसको हम कोई अलग सुविधा दे रहे हो, एक सामान्य नागरिक को अलग नहीं। कोविड हॉस्पिटल में वीवीआईपी, वीआईपी या सामान्य नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन सुविधा सबको और सभी मुफ्त की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तत्परता के साथ कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे स्वच्छता कर्मियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मीडिया ने, अलग अलग तबके ने जिस स्फूर्ति के साथ काम किया, आपदा प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने किया है। और आज जब हम इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं दो कारणों से। एक, कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के लिए दुनिया ने उनके इस प्रबंधन के नेतृत्व की क्षमता को स्वीकारा है। कल आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के अंदर लीडरशिप में सर्वोच्च स्थान पर उन्हें दिया गया, यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड 19 के दो वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड 19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब तो हम उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ दो दो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। कार्य करने की सोच होनी चाहिए और हमें कैसा गोरखपुर चाहिए, भाइयों बहनों, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये गोरखपुर महानगर हमारा है, गोरखपुर जनपद हमारा है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है और यह देश हमारा है। और यह भाव जब हमारे मन में होगा, भावनात्मक लगाव तो हमारे मन में होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में होगा। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ही है जो हमें विकास करने के लिए प्रेरित करता है। और यह मांगने की बात नहीं, बाढ़ के लिए या आयुष विश्वविद्यालय के लिए या एम्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए या सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी हम देने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में काफी बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे लेकर के हम चल रहे हैं। यह एक प्रयास के का परिणाम है, यह प्रयास का परिणाम है, अन्यथा जो लटकाने और भटकाने की प्रवृत्ति थी देश के अंदर, आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन।
जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, तो यही तो हम पहले कहते थे कार सेवा के समय, हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार्य सेवा की थी वो विजय हुई ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना इस बात साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वह आंदोलन कार्य सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए उस आंदोलन को बदनाम करते थे। और जब हरेक क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, अब फिर वही राग अलापने का कार्य कर रहे हैं। अब कि पहले राम को मानते नहीं थे, अब कहने लग गए राम तो सबके हैं। भगवान करे सद्बुद्धि हमेशा उन लोगों को बनी रहे और वे लोग भारत के लिए भी उत्तर प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन एक ताकत थी वो, जिस ताकत ने इतने बड़े सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास की सोच को जो आज इस देश ने दुनिया को दिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता कोरोना कालखंड में जैसे एक परिवार भाव के साथ कार्य करती हुई दिखाई दी, वो सबके सामने है। आपने उसको महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश, 40 लाख प्रवासी कामगारों श्रमिक, हजारों हमारे बच्चे, कोई कोटा में पढ़ रहा था, कोई प्रयागराज में था, कोई बेंगलुरु में था, कोई मुंबई में था, कोई चेन्नई में था, कोई दुनिया के अलग अलग देशों में थे। मेरे पास रोज फोन आते थे और गोरखपुर से ज्यादा आते थे। कोई कहता था कि हमारा जो कोई कहता था मेरे बच्चे, कोई पहले तो कोटा की बात आई, हमने परिवार निगम की बसेज भेजी, सभी बच्चों को वापस घरों तक पहुंचा दिया। फिर प्रयागराज की बात आई, हमने उनको भी पहुंचा दिया। फिर बेंगलोर की बात आई, हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, उन्होंने ट्रेन उपलब्ध कराई, उन बच्चों को सुरक्षित हम वापस लेके आ गए। चेन्नई से लेके आ गई, मुंबई से लेके आ गई, लेकिन बाद में डिमांड होने लग गई कि मास्को में भी फंसे हैं, न्यूयॉर्क में फंसे हैं, इंग्लैंड में फंसे हैं, और मैं कह सकता हूं दावे के साथ भारत सरकार की मदद से एक एक बच्चे को, एक एक नौजवान को हम उसके घर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सफल रहे, सुरक्षित पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की। ये किसकी ताकत है? ये सब आपकी ताकत है। इस ताकत ने हमें एक नया उत्साह उमंग दिया। हम जिससे जो आह्वान करते थे कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोग उसका पालन करते थे। हम कहते थे कि भाई यहां पे इस आयोजन में भीड़ नहीं होनी, लोग उसमें उसका पालन करते थे। हम लोग कहते थे कि देखिए वहां पर यह व्यवस्था दी जा रही है, आप इसका पालन करिए, लॉकडाउन है, रात्रि को इतने बजे से इतने बजे तक लॉकडाउन होना है, लोगों ने पालन किया। पर्व त्योहार में भीड़ नहीं होने देनी है, हर एक व्यक्ति ने उसको पूछा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जब पर्व त्योहार की बात आती, मैं तो गोरखपुर के अंदर होली के दिन हजारों लोगों के साथ नरसिंह भगवान की यात्रा में मैं तो शामिल होने वाला व्यक्ति हूं। पर्व त्योहार के प्रति, क्योंकि पर्व त्योहार हमारी आस्था के प्रतीक है। लेकिन जहां पे एक एक जान कीमती हो, वहां पर कुछ देर के लिए आस्था को हम विराम दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोगों को बार बार आह्वान करना पड़ा, लोग मानते गए और फिर बाजार को हम धीरे धीरे खोलते गए। आपने देखा होगा बाजार साप्ताहिक पहले खुले, फिर 3 दिन के अंदर 3 दिन खोलने की व्यवस्था हुई, फिर 5 दिन हुई, फिर 6 दिन हुई, और अब तो 7 दिन बाजार खुलना है, पूरे दिन भर खुलना है, कहीं कोई समस्या नहीं।
हर एक चीज अपने उसमें रूटीन उसमें आ गई है, लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। हम व्यवस्था कराएंगे, हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को एम्स मिलने जा रहा है। एम्स अपने आप में एक उपलब्धि होती है। 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से एक नए स्वरूप में हम लोग लेके आ रहे हैं। गोरखपुर के विकास का एक नया प्रतीक बनने जा रहा है। पिपराइच में चीनी मिल बंद हो चुकी थी, पिछली सरकारें उसको बेच चुकी थी। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामले का निस्तारण नहीं हुआ, लेकिन हमने उसी के पास बगल में एक अन्य जगह पर चीनी मिल स्थापित करके उसको चलाने की कार्रवाई। पहले कुल वहां पे 1200 क्विंटल चीनी की पेराई होती थी, इस समय 50,000 क्विंटल चीनी की पेराई प्रतिदिन हो रही है उस चीनी मिल में, और गन्ना मूल्य का भुगतान हर महीने करने की स्थिति वहां पर आई है। फाइन शुगर वहां पे बनाने की कार्रवाई अब होने जा रही है। दुनिया के अंदर हर प्रतिष्ठित संस्थानों में जितना फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियां जो दवा बनाती हैं, उन सब में यहां पिपराइच की चीनी जाएगी। ये कार्य यहां पर हो रहा है, यानी हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास। और ये प्रयास इसलिए क्योंकि एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके बीच में रह करके, गोरखपुर में रह करके, आपके बीच रह करके, संघर्ष करके, गोरखपुर के हितों के बारे में नजदीक से जानने, सीखने, समझने और फिर उसको आगे बढ़ाने का जो अवसर प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि उसका पूरा प्रदेश उसको नजीर के रूप में लेकर के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को ये रहता होगा कि हम गोरखपुर का विकास केवल एक तरफा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा है, ऐसे ही विकास हम लोग हर एक जगह का कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 7-7 नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, और मान करिए एक मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हम दे रहे हैं, आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में दे रहे हैं, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में भी एक तीन, यानी ये तीन नए विश्वविद्यालय हम दे रहे हैं, लॉ यूनिवर्सिटी हम प्रयागराज में दे रहे हैं। एक एक कार्य को जोड़ने का कार्य हो रहा है, और हर एक आयोजन को, हर सिटी की कायाकल्प करने का, प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से काशी का पूरी कायाकल्प हुई, कुंभ के अवसर पर प्रयागराज का कायाकल्प हुआ, लखनऊ के अंदर विकास की प्रक्रिया को उसी स्फूर्ति और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, आगरा कानपुर में मेट्रो के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, और गोरखपुर में भी युद्ध स्तर पर विकास की प्रक्रियाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी वंचित नहीं, कोई भी इससे अलग नहीं, राज्य वही, तंत्र वही, संसाधन वही, केवल सरकारें बदली हैं, कार्य की सोच बदल गई है। आज लोग, दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित है। क्यों? क्यों से मालूम है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी, उसको एक विश्वास है। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई में मुझे नगर निगम लखनऊ के बॉन्ड जारी करने थे, और बॉन्ड जारी करके उस पैसे को फिर हम विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं, विकास की इन संस्थाओं को हम जवाबदेही के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गया था, तो मैंने कहा जब यहां आया हूं तो अलग अलग सेक्टर के जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करूंगा। यहां के सांसद रवि किशन जी भी पहुंचे थे वहां, उन्होंने देखा कितना उत्साह था हर तबके के लोगों में, क्या उद्योगपति, क्या वहां का व्यवसायी, क्या वहां का यूथ, क्या वहां का फिल्म से जुड़ा हुआ हर एक सेक्टर का प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, या फिर वहां का एक्टर हो, जो भी हो, हर एक तबके का व्यक्ति एक नए उत्साह के साथ सामने आ रहा था, कह रहा था कि साहब हम चाहते हैं यूपी में आना। वो इस बात को कह रहे थे। मैंने कहा यूपी के बारे में आपको कैसे जानकारी है? उन्होंने कहा साहब यूपी व्यापक परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, सुरक्षा का एक माहौल बना है, उसमें से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। कहते साहब जब हम अपने गांव जाते हैं
अपने जनपद में जाते हैं, अपने नगर में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो परिवर्तन हमें दिखाई देता है। मुझे वहां पे एक फिल्म, वहां पे फिल्म मेकर के उसमें जो काम करता है प्रोड्यूसर, वो मुझे वहां मिला। उसने कहा मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं और मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूं। मैं एक दिन आया, देर हो गई, रात्रि में अपनी कार से जा रहा था, मुजफ्फरनगर में करौम केराना के पास मैंने देखा कि एक मां और एक बेटी रात्रि में 12 बजे पैदल पैदल चल रही थी। मुझे शक हुआ, फिर मैंने गाड़ी रोक के उनसे पूछा, मैंने कहा इससे रात्रि में कहां आप जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब कोई एक जरूरी काम से हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे एक परिचित आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप महिला और बेटी हैं, इस रात्रि में इस किराना से तो पलायन होता है, आप रात्रि में ऐसे कैसे जा रहे हैं, आपको भय नहीं लग रहा? कहा साहब वो बीते दिन की बात हो चुकी है, आज उत्तर प्रदेश में भय कहना, भय देने वाले लोग स्वयं भयभीत हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। ये एक सोच जहां पर पैदा हो, सचमुच एक बहन और बेटी के मन में यह विश्वास जागृत हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। उसने कहा साहब मैं तो जिस यूपी के बारे में सोचता था कि नहीं जाना चाहिए, मैं आज कह रहा हूं कि मुझे यूपी में आना है अब, और मैं यूपी में ही आगे आने वाले समय सारा काम करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं रात को उस दृश्य को देख के दंग था, जहां पे एक मां और एक बेटी रात्रि को 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही हो, और वह उस क्षेत्र में जो इस पलायन के लिए सबसे कुख्यात क्षेत्र हो चुका हो, और वहां पर इस बात को कह रही हो, अरे साहब वो बीते दिन की बात है। और उसके बाद कहा जब मैं फिर किराना में गया केवल देखने के लिए क्या दृश्य था, उसने कहा साहब सभी व्यापारी जो पिछले 15-20 वर्षों में भाग चुके थे वापस किराना वापस आ चुके हैं, और फिर से चहल पहल वहां पर देखने को मिली है। ये है यूपी, ये उत्तर प्रदेश का दृश्य। याद करिए आज से 25-30 साल पहले गोरखपुर के बारे में लोग क्या सोचते थे, आज से 15 साल पहले भी लोगों के मन में क्या भाव थे, आज आपको परिवर्तन नजर नहीं आता। जाइए देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, एक बार बोलेंगे मैं गोरखपुर से हूं, लोगों के भाव आपके प्रति बदलेंगे, लोग एक सम्मान के भाव से आपको देखेंगे, और इस सम्मान का भाव वही है क्योंकि जो आपने मेहनत की, जो आपका पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ के प्रति यह सम्मान का भाव है। यह अचानक नहीं आया है, यह वह भाव है जो गोरखपुर की सड़कों पे बिजली के लिए आप आंदोलन करते थे, बिजली 5 घंटे गोरखपुर नगर को मिलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो बिजली मिलती है ना, अब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इसी गोरखपुर में मुझे लगता भूलिए ना इस बात को, मई में जून में हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता था जब 3-4 घंटे बिजली मिलती थी। आज के दिन पर रोस्टिंग हो सकती है कहीं, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये ऊपर जाल जो बिजली का पड़ा हुआ है ना, जो किसी तूफान में कभी कहीं चंदन की हानि होती है, इससे भी मुक्ति मिले। क्यों यहां के लोगों को इसकी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। उस समय 2-3 घंटे 5 घंटे के लिए रोस्टिंग होगी, लेकिन आने वाले 50 सालों के लिए एक राहत भरा दिन होगा बिजली के लिए। और इस दृष्टि से कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं, इस सड़कें चौड़ीकरण इसलिए जिससे आपके समय की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो, भाई आपको गोरखनाथ से रेलवे स्टेशन आना है, क्यों आप 1 घंटे पहले चलेंगे, आप 15 मिनट पहले जाएंगे, 5 मिनट में आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इस प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं। आप महेश्वरा से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, क्यों आप जो है 2 घंटे पहले जाएंगे, आप आराम से निकलिए 1 घंटे पहले, 15 मिनट में पहुंचिए आप महेश्वरा से रेलवे स्टेशन पर, हम सड़क ऐसा बना करके देंगे, लेकिन एक एक व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे, किसी को जड़ने नहीं देंगे। हमने पीएम स्वनिधि में भी प्रशासन से कहा है पटरी व्यवसायियों का भी व्यवस्थित पुनर्वास होना चाहिए, और व्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ उनको भी जोड़ दो, हर एक को सड़क से अतिक्रमण भी हटाएंगे, लेकिन एक एक पटरी व्यवसायी का व्यवस्थित पुनर्वास भी करेंगे, उसको बैंक से लोन भी दिलाएंगे,
सस्ते दाम पर लोन भी दिलाएंगे और सब्सिडी का लाभ भी उसके खाते में सीधे दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली होनी चाहिए। ये सभी लोग जब मिलते हैं तब विकास आगे बढ़ता है। विकास केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, सबके बारे में एक समग्र सोच के साथ आगे बढ़ने से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। आज इसीलिए यहां पर कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। इन योजनाओं में सभी प्रकार की योजनाओं को हम लोगों ने इसमें यहां पर लेने का कार्य किया है, जिसमें रामगढ़ ताल की परियोजनाओं के सुंदरीकरण की योजना, विधायक जी कह रहे थे रामगढ़ ताल की परियोजना, और रामगढ़ ताल परियोजना नए उसके साथ आप सबको आकर्षित कर रही है। हम लोग वहां पे बहुत जल्दी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप जाइए छुट्टी के दिन, वहां पे तमाम बड़ी बड़ी नौकाएं मिलेंगी, नौकाओं में टहल करके परिवार के साथ मित्रों के साथ, वहां पे प्रदूषण मत करना, प्लास्टिक मत फेंकना, गंदगी ताल में मत फेंकना, वो सब उसी स्टीमर के अंदर आपको सुविधा मिलेगी। लेकिन जाइए, समय कुछ समय ऐसा भी गुजारिए जो वहां पर मित्रों को अच्छा लगा। जब सीताराम जी कह रहे थे मैं बुढ़िया माई गया था, तो मैंने कहा हमेशा के लिए मत जाना वहां, लेकिन एक कभी कभी शहर के अंदर सफाई आदि के कार्यों को पूरा दुरुस्त करने के बाद मूड फ्रेश होने के लिए फिर आप जाइए माई का दर्शन करके फिर आइए। ऐसे रामगढ़ ताल भी मिलेगा, अच्छी अच्छी स्टीमर वहां देंगे, लोग जाएंगे, एक नई सुविधा वाटर स्पोर्ट की सुविधा वहां हम देने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। अब देखना कितना अच्छा वो बनेगा, गोरखपुर के बच्चों को दे एक नया उत्साह का अवसर होगा, उनके लिए एक नए दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। चारों तरफ से बॉर्डर से पिचिंग भी कर दी गई है, अब ताल टूटेगा नहीं, ताल पे कोई कब्जा भी नहीं कर पाएगा, और नहीं तो कब्जे की सबसे बड़ी समस्या यहां पर थी, सरकार आती थी और फिर सरकारें और नेतागण एक तरफ से कब्जे का अभियान चलाते थे, कोई शरीर व्यक्ति जमीन खरीदने से डरता था, पता नहीं उसकी जमीन पर कब और उनके मकान पर कब किसी पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर ले, होता था सपा बसपा के समय में यही होता था। सपा के समय में मैंने कई बार तो यहां के अवैध कब्जे हटवाए थे उनके गुंडों के द्वारा, जो होते थे मैं कुछ था नहीं, सांसद था, आपकी ताकत थी, लेकिन तब भी हम लोग लड़के उनके कब्जों को हटवाते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में भी ये बलदेव प्लाजा के पीछे ही कब्जा हो गया था एक बार, और उस समय फिर मैं बाहर था, जब वापस आया तो फिर मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा ये कब्जा कैसे, लेकिन भाई गुंडागर्दी थी, आज तो कोई गुंडा इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो उसे मालूम है कि फिर इस धरती का रास्ता तो नहीं होगा, दूसरे लोग का रास्ता जरूर इसके लिए खुल जाएगा। लेकिन यह अव्यवस्था अराजकता फैलाने की चोट नहीं दी जा सकती है, और इसीलिए विकास की प्रक्रिया ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के भी, जिला चिकित्सालय में MRI मशीन की स्थापना का कार्य, उससे जुड़ी हुई अन्य कार्यों को, वहां पे तमाम नई OT के निर्माण का कार्य वहां पर हुआ है, कृषि विश्वविद्यालय अपना कृषि जो विद्यालय है चरगामा का, उसमें मल्टीपर्पज सीड स्टोर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में, राज्य के बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के आधुनिकीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य को वहां पर संपन्न किया गया है, ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी भी तमाम प्रकार की परियोजनाओं को भी आज यहां पर लिया गया है, बालिकाओं की शिक्षा का जो उत्तम केंद्र है जो गवर्नमेंट AD कॉलेज, उस कॉलेज में भी जो बुनियादी सुविधाएं CC रोड का है, इंटरलॉकिंग सड़क का है, राजकीय उद्यान के बाउंड्री वाल का कार्य है, और इसी प्रकार से मूक बधिर विद्यालय से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी यहां पर, उनके आवासीय और अनावासीय भवनों के बारे में भी हम लोगों ने यहां पर आज उसका लोकार्पण किया है, सड़कों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की परियोजनाएं हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो मंडलीय कारागार है वहां पर पर्यटन विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के, आप देखिए काकोरी कांड के हीरो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में थे और यहीं पे उन्हें फांसी हुई थी। देखिए कब सी घटना, 1930 की घटना, और उस स्मारक को जो एक बार बना कभी कोई झांकने नहीं गया। हम लोगों ने तो पिछले 3 सालों के अंदर
चोरी चोरा का भी आज लोकार्पण हो रहा है, जेल गोरखपुर जेल के भी इस कार्यक्रम का लोकार्पण हो रहा है। और आज मैं सायकाल जा रहा हूं सैजनवा में, सैजनवा में भी डोहरिया में भी एक शहीद स्मारक है, उस शहीद स्मारक के कार्यों को भी आज हम जनता को लोकार्पित कर रहे हैं। नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उस भव्य स्मारक को हम समर्पित करते हुए कि हमारे क्रांतिकारियों ने और पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया था, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम जो हमें प्राप्त हुआ है, यह एक शहीद स्मारक उसके बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन सभी कार्यक्रमों को हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। ये तमाम प्रकार के मार्गों के कार्यक्रम भी इसके साथ ही आज जोड़ने के साथ ही आज जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, मैं इसके लिए गोरखपुर वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। और आप सबसे मैं यही आग्रह करूंगा, एक रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़े। पैसे की विकास के लिए कोई कमी नहीं है, कमी है सकारात्मक सोच को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की। और बहुत शीघ्र हम लोग एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये पहले चरण में मेरा प्रयास है कि पहले चरण में हम लोग करेंगे कि प्रशासनिक सेवा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से या भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े हुए जो प्रतियोगी छात्र होंगे उनके लिए हम एक सॉफ्टवेयर विकसित करने जा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर हर मंडलीय स्तर पर पहले चरण में हम लोग करेंगे, जहां निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रतियोगी छात्रों के लिए हम लोग सरकार के स्तर पर कराने जा रहे हैं और बृहद पैमाने पर कराने जा रहे हैं। किसी यूथ को उत्तर प्रदेश अपना शहर न छोड़ना पड़े और अपना प्रदेश न छोड़ना पड़े, उसको यही सुविधा हम यहां प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। और देखना आप आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में मेडिकल के, चाहे नीट की परीक्षा होगी, आईआईटी की होगी, या फिर कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेहतरीन अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। और उस बेहतरीन अवसर के लिए भी हम सबको अभी से अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर सभी परियोजनाओं को, आप सभी को यहाँ पर समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये विकास के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगे। जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं इनका लाभ गोरखपुर वासी और पूर्वांचल वासी लेगा ही, लेकिन जो परियोजनाएं आज शिलान्यास हो रही हैं ये समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगी और इन योजनाओं का लाभ आने वाले समय में यहाँ का हर नागरिक ले पाएगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को विकास के प्रति रुचि रखने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को इन योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।